हेलो फ्रेंड्स, आई एम कांचन। नोमिज किचन में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं मसाला सूखे वाले ड्रमस्टिक्स। ये ड्रमस्टिक्स खाने के लिए बहुत टेस्टी बनते हैं। आप इसे स्नैक के स्वरूप में खा सकते हो। वीडियो लास्ट तक देखिए। चलो तो फिर मसाला ड्रमस्टिक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया था ड्रमस्टिक्स और उसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, और जो उसको ऊपर की स्किन होती है ना, उसे भी मैंने निकाल लिया है। उसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसे हम स्टीम करने वाले हैं, तो मैंने डायरेक्टली इसे स्टीम करने वाले छन्ने में डाला है। हम इसे स्टीम करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पीनट्स लिए है, ड्राई कोकोनट लिया, उसे कद्दूकस कर लिया है, तेल ली है। इसको हमें तवे पे थोड़ा सा भूनने वाली हूँ और मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। उसके साथ लिया है टमाटर और ओनियन। ये ना हमारे स्टीम हुए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे ड्रमस्टिक पूरी भी स्टीम नहीं हुई है, इजीली हाथों से दब रही है। इसी तरह से हमें स्टीम करना है। उसके साथ ओनियन और टमाटर को काट लिया है। मैं डाला था ऑयल, उसमें डाल रही हूँ जीरा, और जो हमने पीनट्स, डार्क कोकोनट और तिल ली थी ना, उसे मैंने थोड़ा सा गैस पर भुना था और मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। तो ऑयल में डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ ओनियन, और ओनियन को हम थोड़ा सा भून लेंगे। उसके साथ डाला है टोमेटो, अदरक लहसुन की पेस्ट, और इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ओनियन भी हमारा फ्राई हो चुका है, तो इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले। उसमें डाल रही हूँ हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, धना जीरा पाउडर, और इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। स्वाद अनुसार नमक भी इसमें हम ऐड करने वाले हैं। उसके साथ में डालने वाली हूँ जो हमारा ड्राई कोकोनट और पीनट्स और तिल का जो हमने मिक्सर में ग्राइंड किया था ना, वो भी मिश्रण यहाँ पे डाल दिया है, और इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। अभी मैं ऐड करने वाली हूँ सॉल्ट, और हमारे ड्रमस्टिक्स यहाँ पे आप देख सकते हो। ड्रमस्टिक्स हमने कम ही स्टीम की थी, क्योंकि हम मसाले में जब डालते हैं ना, उसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे तो टूटती है, तो इसलिए ड्रमस्टिक थोड़े से हमें 90% या 80% ही कुक करने हैं, यानी कि स्टीम करनी है। देखो यहाँ पे जो हमारे ड्रमस्टिक्स है ना, टूट नहीं रही है। इसी तरह से हमें उसे स्टीम करना है, और इसे हम मसाले में 1-2 या 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा हम पानी डालने वाले हैं। अभी लास्ट इसमें मैं डालने वाली हूँ बेसन। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून बेसन लिया था, और बेसन को भी हम मसाले में अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी ड्रमस्टिक्स हैं ना, खाने के लिए रेडी हो चुकी है। ये सच में खाने के लिए बहुत टेस्टी बनती है। आप रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी मसाला ड्रमस्टिक्स खाने के लिए रेडी हो चुकी है, और सच में बहुत टेस्टी लगती है। आप रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। नॉमिज किचन देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।